जबरदस्त तरीके के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते ही हो, हमारे बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं और उम्मीद करते हो आप बहुत अच्छे तरीके के साथ रेगुलरली सारी क्लासेस फॉलो कर रहे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अगर आप ये सब कर रहे हो तो मैं बिल्कुल श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ, एग्जामिनेशन हॉल पे आपका कोई भी बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। सो स्टूडेंट्स, और आपकी रीजनिंग की क्लासेस, मैथ्स की क्लासेस बहुत अच्छे से किया करो, रूटीन के साथ किया करो, ठीक है जी। आप लोगों के लिए तो हो रही है। सो अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं कराया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और अगर आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया है तो चैनल को सब्सक्राइब करा लो, अगर आपने कर लिया है तो और डिवाइसेस पर आपसे चैनल सब्सक्राइब करा सकते हो। सो स्टूडेंट्स, नोटबुक और पेन लेके बैठिए, आप आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और उम्मीद करते हो आप लोग साथ के साथ प्रैक्टिस करेंगे और बिल्कुल डिसिप्लिन और बिल्कुल ईमानदारी के साथ यहाँ पे सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ। जल्दी से फर्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए, जल्दी से फर्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए और आंसर दीजिए। एज इट इज क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी करा था, नोट एज इट इज, बस बट वो फॉर्मूला यही यूज होने वाला है जो हम लास्ट क्लास में, लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने फॉर्मूला किया था आई थिंक सो, या जो भी लास्ट क्लास थी हमारी उसमें हम लोगों ने ऐसा कॉन्सेप्ट यूज करा था, जल्दी से मुझे वही कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। आंसर बताइए, छोटा सा न्यूमेरिकल है, छोटे मोटे न्यूमेरिकल आप लोगों से पूछ लेते, ज्यादा हाई फाई न्यूमेरिकल नहीं आता है, लेकिन छोटा सा न्यूमेरिकल आ जाता है तो आप लोगों को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है और पेशेंसली उसका आंसर करना है, ठीक है। तो जल्दी से मुझे आंसर बताइए, आंसर क्या बन रहा है आप लोगों के क्वेश्चन का, जल्दी से आंसर बताइए भाई, क्या आंसर हो रहा है यहाँ पे क्वेश्चन का आपके, बताइए जल्दी से। यस, बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल है, सो आंसर बताइए आप लोग। देखिए आप लोग पढ़ चुके हैं ना, क्या पढ़ चुके हैं, कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ चुके हैं। कंडक्टिविटी हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कंडक्टिविटी फॉर इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, आप एक्सट्रेंसिक के लिए भी लिख सकते हैं, बेसिक फॉर्मूला आपका इंट्रेंसिक हो या एक्सट्रेंसिक हो दोनों केसेस में सेम रहता है, बस हमें वो रूल लगाना होता है, इंट्रेंसिक की कंडीशन और एक्सट्रेंसिक की कंडीशन हमें स्पेसिफाई और पुट करनी होती है वापस, सो हम इंट्रेंसिक के लिए और एक्सट्रेंसिक के लिए इजिली कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो बेसिकली क्या रहता है, कंडक्टिविटी फॉर इंट्रेंसिक, इंट्रेंसिक आई स्टैंड फॉर इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर के लिए जनरली हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, सो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ एन आई क्यू और म्यू एन प्लस म्यू पी। ये मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे एन आई, क्योंकि इन केस ऑफ इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, इन केस ऑफ इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन कैरियर कॉन्सेंट्रेशन होल कैरियर कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होती है, जो कि आपकी इंट्रेंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होती है, ठीक है। सो ये कंडीशन हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर ली और हमारा ये फॉर्मूला बन गया है यहाँ पे। अब इसी फॉर्मूले का आपको यूज करके इस क्वेश्चन का आंसर देना है, जल्दी से बताइए आंसर क्या आ रहा है। आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ इंट्रेंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर की बात करिए, आपको कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि टेम्परेचर की यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही है, ठीक है। आपको वैल्यू स्पेसिफाई कर रखी है, आपको वही यूज करना है, टेम्परेचर का सीधा साधा यहाँ से टी की वैल्यू का कोई लेना देना नहीं है। सो वैसे भी हम लोग नॉर्मली सारी चीजें सेमीकंडक्टर में या बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करते हैं, रूम टेम्परेचर की रिगार्डिंग ही करते हैं, अगर कुछ मेंशन कर रखा है, स्पेसिफाई कर रखा है तो फिर हम उस पर जाते हैं, अदरवाइज हम बात करते हैं रूम टेम्परेचर पे ही, ठीक है। सो यहाँ पे आंसर जल्दी से क्या बन रहा है आप लोगों का आंसर, जल्दी से मुझे दे दीजिए आप। देखो क्वेश्चन क्या है, एक बार क्वेश्चन रीड करो, ध्यान से क्वेश्चन रीड किया करो, ठीक है, और फिर आप देखा करो कौन सा फॉर्मूला यूज हो सकता है, फिर आप इजीली उसको लगा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, और हल्की सी कैलकुलेशन होती है, कैलकुलेशन पे भी ध्यान दिया करो, साथ में आपको न्यूमेरिकल में यूनिट्स पे भी ध्यान देना होता है, ठीक है। सो चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं, फॉर इंट्रेंसिक गैलियम आर्सेनाइड कंडक्टिविटी, कोई बात नहीं, गैलियम आर्सेनाइड की बात करिए, मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो रहा कि सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम हुआ, गैलियम आर्सेनाइड हुआ, कोई भी सेमीकंडक्टर की फॉर्म कोई भी हो सकती है, ठीक है। चलिए, गैलियम आर्सेनाइड कंडक्टिविटी एट रूम टेम्परेचर इज दिस, ओके जी। सो आपको यहां पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इंट्रेंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, गैलियम आर्सेनाइड की कंडक्टिविटी आप लोगों को दी है, मतलब सिग्मा की वैल्यू आप लोगों को दे दी गई है, ठीक है। सिग्मा की वैल्यू क्या दी हुई है आप लोगों को,
सिग्मा की वैल्यू क्या दी हुई है भाई, मतलब कि कंडक्टिविटी की वैल्यू आप लोगों को क्या दी हुई है, 10 रेज टू द पावर माइनस 6 ओम मीटर इनवर्स। ध्यान रखना ये मीटर है या सेंटीमीटर है, अगर ये कोई और मतलब कि मोबिलिटी वगैरह कुछ किसी सेंटीमीटर में हो, आपको ये क्वेश्चन में मीटर दिया हुआ है तो चेंज करने होते वैल्यूज। आपको जो जनरली ऑप्शन में मिलेगा ऑप्शन जो भी होगा ना वो मीटर और सेंटीमीटर दोनों के हिसाब से होगा, तो आपको ध्यान रखना उस केस में आपका आंसर सही आएगा। और आप गलती से ना एग्जामिनेशन हॉल में आप ये सिली मिस्टेक्स होती है आप ऐसे मिस्टेक कर दोगे, तो इस चीज का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारी कंडक्टिविटी की वैल्यू दी है, कंडक्टिविटी की वैल्यू पुट कर दी है। सो गाइस आगे क्या दिया हुआ है, द इलेक्ट्रॉन एंड होल मोबिलिटीज। ओके, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी और होल की मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी और होल की मोबिलिटी, जल्दी बताइए कितनी है। यस जल्दी बताइए इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी और होल की मोबिलिटी कितनी है, 0.85 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड में है और मोबिलिटी ऑफ होल आप लोगों की दी हुई है जी 0.04। ठीक है जी, ये वैल्यू सब लोगों को दी हुई है। चार्ज की वैल्यू हम सब लोग जानते हैं 1.609 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब्स, ठीक है। पुट कर देंगे सारी वैल्यूज और NIS क्या पूछा हुआ, इंट्रेंसिक एयर कॉन्सेंट्रेशन एट रूम टेम्परेचर हमसे पूछा हुआ है, सो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं फिर यहां से NI की वैल्यू निकाल देंगे हम ऐसे ही। तो क्या हो जाएगा, NI मतलब कि इंट्रेंसिक एयर कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू सिग्मा आई और ये इसके डिवीजन में आ जाएगा जी म्यू ए प्लस म्यू पी, ठीक है। ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे और आंसर निकाल देंगे, इजीली आंसर निकाल सकते हैं, कोई डाउट वाली बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। ये भी मीटर मीटर्स में है और आपको ये भी मीटर्स में दे रखा है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है और आपको आंसर निकाल देना है, ठीक है। इसे सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा की वैल्यू क्या है, यहाँ से कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या है 10⁻⁶ और चार्ज की वैल्यू क्या होती है 1.609 × 10⁻⁶ तक भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये हो जाएगा यहाँ पे और मैं यहां से पुट करूं जी म्यू एन प्लस म्यू पी, म्यू एन इज दिस, म्यू पी इज दिस, 0.85 प्लस 0.04, इसको सोल्व कर लेंगे भाई, ठीक है, सोल्व कर लेंगे इसको, फिर आपका आंसर आएगा जी 7 × 10⁻²। यस आंसर आपका आ जाएगा 7 × 10⁻²⁻¹ और प्लस 12, जल्दी से चेक करके बताइए मुझे प्लस 12 पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। ये आपकी इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन का आंसर बन जाएगा जी, ठीक है। बड़े ध्यान से आपको आंसर करना है, ऑप्शन क्या क्या है आपके, देखो ऑप्शन ज्यादा कंफ्यूजन आपको कहां हो सकती है, प्लस माइनस से बड़े ध्यान से देखा करो क्वेश्चन, ऑप्शन वैसे मिस्टेक्स हो सकती है आप लोगों की सिली मिस्टेक्स, ये प्लस और माइनस में आप लोगों की यहाँ पे हो सकती है भाई कि आप गलती से माइनस लगा दो प्लस लगा दो, तो इस केस में आपको ध्यान रखना है यहाँ पे आपका प्लस आना है ना कि माइनस, आपको ऑप्शन में माइनस भी दे रखा है और प्लस भी दे रखा है, बट इन दैट केस यू हैव टू रिमेम्बर दिस वन, बहुत कॉन्सेंट्रेशन के साथ आपको आंसर करना है, ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है और ये मत सोचना कि ऐसी मिस्टेक्स नहीं हो सकती, बिल्कुल होती है ऐसे स्टूडेंट्स के साथ मिस्टेक्स और फिर बाद में कहते हो ओ हमने तो ये कर दिया, तो ऐसे बिल्कुल टेंशन में आंसर नहीं करना है, बिल्कुल अच्छे से आंसर आराम से बिल्कुल फ्री होकर आपको आंसर करना है, ठीक है। और ऑप्शन क्या हो गया आपका, आंसर क्या हो गया है, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का करेक्ट हो चुका है जी, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड जल्दी से रीड कीजिए और बताइए मुझे आंसर क्या आ रहा है, बताइए भाई जल्दी से आंसर क्या बन रहा है। बताओ भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कंडक्टिविटी के बारे में, कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी
बहुत फैमिलियर हो चुके हो आप लोग अब इस कॉन्सेप्ट के साथ, जल्दी से आंसर बताइए मुझे, बताइए जल्दी से क्या बन रहा है आप लोगों का आंसर। सो क्वेश्चन रीड कीजिए जल्दी से, क्वेश्चन क्या है जी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के रिगार्डिंग स्टेटमेंट दे रखी है आप लोगों से कुछ, और बताना है कौन सी सही है कौन सी गलत है, मोर देन वन ऑप्शन आप लोगों के हैं आपके ऑप्शन में, सो बड़े केयरफुली आपको आंसर देना है, ठीक है। चलिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, पहले सबको रीड करो, ठीक है, फिर क्या एलिमिनेट कर सकते हो उसको एलिमिनेट कर दो, आप आंसर तक पहुंच जाओगे इजीली, बात समझ आई, एलिमिनेशन देखना है आप लोगों को, जो सा गलत होगा उसको ऑप्शन में जाओ और उसको हटाओ वहां से, और फिर आपका दूसरे वाला ऑप्शन बन ही जाएगा फिर। चलिए रीड करते हैं फिर बताते हैं कैसे होगा इसका। इट इंक्रीज विद टेम्परेचर इन सेमीकंडक्टर, ओके जी, फर्स्ट वन इज टेम्परेचर के साथ इंक्रीज कर रहा है, चलिए और रीड करते हैं। इट इंक्रीज विद टेम्परेचर इज एक्सपोनेंशियली, ओके जी, इसने क्या बोला है अब यहाँ पे कि टेम्परेचर के साथ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है, अभी कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आप लोगों के जस्ट सामने ही था, अभी कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आप लोगों के सामने था जी, एन आई क्यू म्यू एन प्लस म्यू पी, ठीक है, इसने सेमीकंडक्टर मेंशन कर रहा है, कर रखा है, सो डोंट गेट कंफ्यूज, यहाँ पे एन आई की जगह एन और पी दोनों के लिए हो जाएगा, मतलब ये क्या बन जाएगा, दिस वन इज योर करेक्ट फॉर सेमीकंडक्टर, पी क्यू म्यू पी, दिस वन ये आप लोगों का सेमीकंडक्टर के केस में बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, ये आप लोगों का इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में करेक्ट है जी, और ये आप लोगों का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में, ठीक है, इन बातों पे ध्यान देना है। सो चलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं हम लोग, फर्स्ट ऑप्शन टेम्परेचर के साथ इंक्रीज कर रहा है, सेकंड ऑप्शन टेम्परेचर के साथ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है, थर्ड ऑप्शन में क्या है, इट इंक्रीज इन मेटल्स एंड देयर अलॉयज लीनियरली विद टेम्परेचर, ओके जी, इसने बोला है कि टेम्परेचर के साथ लीनियरली इंक्रीज कर रहा है या नॉन लीनियर इंक्रीज कर रहा है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है, कैसे कर रहा है वो हमें देखना है, ठीक है। चलिए इसका इस फॉर्मूला इसके लिए बात करी थी हम लोगों ने पहले, है ना, देखो टेम्परेचर का इफेक्ट इस पे और इस पे पड़ता है, चार्ज में तो कुछ नहीं पड़ेगा, चार्ज इज कॉन्स्टेंट है, सो चार्ज पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि कॉन्स्टेंट है आप लोगों का, ठीक है, लेकिन कैरियर कॉन्सेंट्रेशन पे और मोबिलिटी पे जरूर अफेक्ट पड़ेगा, और क्या अफेक्ट पड़ता है वो हमें देखना है, ठीक है, सो क्या अफेक्ट पड़ता है वो हमें देखना है, जानना है जी कैसे अफेक्ट पड़ रहा है यहाँ पे। देखिए आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा था आई थिंक सो आपको याद होगा, नहीं है तो जरूर याद कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी, एन आई स्क्वायर इज इक्वल टू टी क्यूब रेज टू द पावर माइनस इजी बाय के टी, दिस वन, ठीक है, बहुत बारी कर चुके हैं हम लोग, सो अगर मैं यहां से ये एन यहां से ये हटा दूंगी, मतलब के एन आई की फॉर्म में लिखना चाहूं तो आप लोगों का क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए और टी की 3/2 हो जाएगा, यहाँ पे 3/2 हो जाएगा क्योंकि हमें यहां से ये हटाना है जी, ठीक है, ये भी हट जाएगा यहां से, सिर्फ ए बच जाएगा, मतलब ये कॉन्स्टेंट बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और ई रेस टू दावर माइनस इजी बाय टू के टी, ठीक है, दिस वन देखो, और ये कंडक्टिविटी पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, ये कंडक्टिविटी पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, दोनों सेमीकंडक्टर का केस है, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का केस है, और सेकंड वन इज योर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर केस, दिस वन इज इंट्रिंसिक, दिस वन इज एक्सट्रिंसिक, यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक, खाली आप लोगों का यहाँ पे सेमीकंडक्टर मेंशन है, सेमीकंडक्टर की बात करी गई है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करी गई है, तो हम ये कॉन्सेप्ट यहाँ से डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ठीक है, इंक्रीज कर रहा है, ऑब्वियसली इंक्रीज कर रही है कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ, यस, कंडक्टिविटी टेम्परेचर का इंक्रीज होने के साथ इंक्रीज कर रही है, कितना कर रही है कैसे कर रही है वो इस फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे मोबिलिटी पे डिपेंड करता है, ऑब्वियसली करता है जी, नो डाउट करता है, लेकिन वो कम करता है एज कंपेयर टू कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब के मोबिलिटी और कैरियर कॉन्सेंट्रेशन पे दोनों पे कंडक्टिविटी डिपेंड करती है, बट डिक्रीमेंट इन मोबिलिटी इज लेस देन दैट द इंक्रीमेंट इन कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, मतलब के यहाँ पे कम डिक्रीमेंट होता है लेकिन कैरियर कॉन्सेंट्रेशन में
ज्यादा इंक्रीमेंट होता है, तो इसलिए हाफ पे हम आंसर कर सकते हैं कि हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर के साथ साथ कंडक्टिविटी में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है इसी, ठीक है। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीमेंट हो रहा है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज योर करेक्ट कि टेम्परेचर के साथ साथ इंक्रीमेंट हो रहा है, दिस वन इज योर करेक्ट ऑप्शन। सो गाइस यहाँ से हम लोग जो अभी कंक्लूजन पे नहीं आए हैं, फर्स्ट तो आपका करेक्ट है, सो इसका मतलब सी ऑप्शन हटा देंगे यहाँ से। सेकेंड वन, सेकेंड में क्या बोला है, इट्स इंक्रीज विद द टेम्परेचर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सो गाइस यहाँ से देखते हैं एक्सपोनेंशियल इंक्रीज कर रहा है या लीनियर इंक्रीज कर रहा है, ये पता लगाते ही हम अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं क्या बोल सकती हूँ कि ये लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, बिल्कुल नहीं बोल सकती ना, क्योंकि देखो टेम्परेचर का फैक्टर इस पर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर इज दिस, यहां से भी देख सकते हैं लीनियरली तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है लीनियरली तो, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियली कह सकते हैं हम लोग, ये वाला फैक्टर भी तो है ना, एक्सपोनेंशियली तो डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर यहाँ भी है, लीनियर तो नहीं है, ये लीनियर नहीं दिख रहा भाई, लीनियर तो क्या होता है, पावर ये ऐसे नहीं होनी चाहिए, सीधा कॉन्स्टेंटली डिपेंड होनी चाहिए बिल्कुल, ठीक है। तो पावर में जा रहा है, वो पावर भी आप लोगों की क्या है यहाँ पे फ्रैक्शंस में है, सो दिस वन इज नॉट लीनियरली टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर के साथ कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रही है बट लीनियरली इंक्रीज नहीं कर रही है, मतलब कि ऑप्शन नंबर थ्री हम लोग यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं। सो गाइस ऑप्शन नंबर थ्री एलिमिनेट करते हैं, आप लोगों का ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का करेक्ट हो चुका है, ठीक है। यस समझ आ गया आप लोगों को, चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री जल्दी से रीड करो और मुझे आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर थ्री जल्दी से रीड करो और आंसर बताओ भाई, चलिए बताइए जल्दी से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों के कई सारे कंसेप्ट क्लियर करने वाला है, सो जल्दी से बताइए मुझे आंसर दीजिए और रीड करो ध्यान से और फिर ऑप्शंस बताइए मुझे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है आप लोगों का। जल्दी से बताइए भाई, सो ऑप्शन नंबर ए क्या है आप लोग, चलिए क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से फिर देखते हैं क्या आंसर बन रहा है। Consider the following statement in the relevant contest. ठीक है जी, देखना है हमें कौन सी statement सही है, उसके accordingly हमें अपना answer पे पहुंचना है, ठीक है। तो option number A देखिए क्या है, option number A is the two type of currents that flow in the semiconductor diodes and transistor are drift and diffusion. Yes, हम drift और diffusion के बारे में बात कर चुके हैं and I think so कि आप लोगों को याद होगा, ठीक है। याद नहीं है तो पिछली क्लासेस में जाके देख लीजिए, मैंने ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन बहुत अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करा है, ठीक है। वो क्लासेस आप लोगों के लिए हो रही है, पिछली क्लासेस पूरी कंटिन्यू कर लीजिए, अगर आप नए हैं तो पिछली क्लासेस को जल्दी से कंप्लीट कर लो एक एक दो दो करके, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा था और अब आप आंसर देने वाले हैं, ड्रिफ्ट किसकी वजह से होता है, फील्ड की वजह से, और ड्रिफ्ट होता है आप लोगों का फील्ड की वजह से, और डिफ्यूजन अपने आप जो प्रोसेस होता है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पे जब करंट कॉन्सेंट्रेशन वगैरह फ्लो कर रहा होता है, दैट इज नोन एज डिफ्यूजन। यस याद है ना सब लोगों को, डिफ्यूजन क्या होता है, जब हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पे चार्ज कैरियर्स का फ्लो होता है, दैट इज नोन एज डिफ्यूजन, ठीक है। और ड्रिफ्ट फील्ड की वजह से, जो हम फील्ड अप्लाई करते हैं उसकी वजह से डिफ्यूजन हो रहा है, दैट इज नोन एज यस ड्रिफ्ट, ठीक है। ड्रिफ्ट यहाँ पे किसकी बात करी गई, करंट की, तो यहाँ पे फील्ड की वजह से जो प्रोसेस हो रहा है फील्ड की वजह से ड्रिफ्ट हो रहा है, और यहाँ पे करंट की बात करी गई है तो ड्रिफ्ट करंट हो रहा है इसी, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज योर करेक्ट, ओके। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई, द जंक्शन रीजन इज कॉल्ड डिप्लीशन रीजन और स्पेस चार्ज रीजन। देखो जी क्या बोला हुआ है इसमें, जंक्शन रीजन इट मींस के जहां पे पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर जब मिलते हैं, यहाँ पे मान लो पी टाइप है, ये मान लो एन टाइप है, जब ये यहाँ पे मिल गए तो जो जंक्शन बनता है, दिस वन है ना, एक लेयर बनती है जिसको आप डिप्लीशन लेयर बोलते हैं,
दिस वन इज डिप्लीशन लेयर, स्पेस चार्ज रीजन, ट्रांजिशन रीजन, चार्ज फ्री कैरियर्स रीजन, सो कुछ भी बोल सकते हैं हम। सारी वर्डिंग से बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज ऑल्सो योर करेक्ट आंसर। सो इसका मतलब क्या, ऑप्शन बी या ऑप्शन ए आप लोगों का करेक्ट हो सकता है। ये डिपेंड करेगा थर्ड स्टेटमेंट में, थर्ड स्टेटमेंट को रीड करो बड़े ध्यान से। सो योर थर्ड स्टेटमेंट इज व्हेन करंट फ्लोस थ्रू द डायोड इन फॉरवर्ड बायस। ओके, फॉरवर्ड बायसिंग में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है जी। द डिप्लीशन रीजन करंट इन मोस्टली इज मोस्टली ऑफ डिफ्यूजन टाइप। स्टेटमेंट क्या बोला हुआ है, द करंट फ्लो थ्रू द डायोड इन द फॉरवर्ड बायस। ओके जी, फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो करता है, नो डाउट दिस वन इज करेक्ट। एंड द डिप्लीशन रीजन करेक्ट इज मोस्टली ऑफ डिफ्यूजन टाइप, ठीक है जी, बिल्कुल सही है। फॉरवर्ड बायसिंग में करंट फ्लो करता है, जो डिप्लीशन रीजन होता है डिफ्यूजन की वजह से होता है, बिल्कुल दोनों के सारे के सारे स्टेटमेंट आप लोगों की सही है। ये डिप्लीशन रीजन जो बनता है वो जो हाई कॉन्सेंट्रेशन का लो कॉन्सेंट्रेशन में फ्लो होता है उसी की वजह से बनता है, ठीक है। सो यहां से आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो चुका है भाई, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। कई बार पूछ लेते, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो जंक्शन बनता है पी और एन टाइप के सेमीकंडक्टर के कॉन्टेक्ट में आने के बाद जो जंक्शन बनता है दैट वन इज योर नोन एज डिप्लीशन रीजन। और किस प्रोसेस की वजह से होता है, दिस इज ड्यू टू डिफ्यूजन। यस, डिफ्यूजन की वजह से ये हो रहा है, ठीक है, समझ आ गया। सो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहां से करेक्ट हो चुका है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, जल्दी से रीड कीजिए और मुझे आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर फोर्थ, सॉरी क्वेश्चन नंबर फोर्थ, जल्दी से पढ़िए और आंसर बताइए। बताइए भाई क्वेश्चन नंबर फोर्थ का नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर क्या बन रहा है। अच्छा क्वेश्चन है ये, आप लोगों का आया हुआ है तो आप लोगों को कंफ्यूज होने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है, बिल्कुल फ्री माइंड से आंसर देना और आई होप आप आंसर तक पहुंच जाओगी। बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखो और मुझे आंसर बताओ, एलिमिनेशन प्रोसेस से कीजिए, आप बिल्कुल पहुंच जाओगे आंसर तक। एलिमिनेट करिए कौन सा क्वेश्चन नहीं, कौन सा ऑप्शन नहीं बन सकता है इस क्वेश्चन के लिए, सो आप आंसर दे सकते हैं। फिर जल्दी से बताओ भाई, बताओ जल्दी से क्या बन रहा है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है जी, विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एग्जिस्ट इन अ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में कौन से टाइप का इलेक्ट्रॉन पेयर एग्जिस्ट करता है, विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एग्जिस्ट इन अ सेमीकंडक्टर, कौन से टाइप का इलेक्ट्रॉन पेयर एग्जिस्ट करता है जिस सेमीकंडक्टर में, प्लीज जल्दी से जल्दी बताइए भाई, जल्दी बताओ भाई। आयनिक क्या होता है इसमें भाई, अच्छा पहले तो सेमीकंडक्टर में बॉन्डिंग कौन सी होती है, यस आप आंसर दे सकते हैं, सेमीकंडक्टर में बॉन्डिंग कौन सी होती है, यस कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, सबको पता होनी चाहिए सेमीकंडक्टर में कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। जब ग्रुप 14th और 15th, 13th और 14th जब मिलते हैं तो आप लोगों की यहां से क्या बनती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग बनती है, क्योंकि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ होल्स वहां पे आप लोगों का हो रहा होता है, ठीक है। ओके, सो आयनिक का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, आयनिक और नॉन आयनिक का तो कोई मतलब नहीं बन रहा भाई यहाँ पे, तो आपका होमोपोलर या हाइड्रोपोलर में सेंसर बनेगा। अब आंसर दीजिए, होमोपोलर या हाइड्रोपोलर में सेंसर बनने वाला है तो आंसर दीजिए, यस। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, मान लो ये कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ पे आप लोगों का पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव बन गई तो आप लोगों का कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन और एक होल के कॉम्बिनेशन से आप उसकी शेयरिंग से डिफरेंट एटम के, यहाँ पे कोई एटम है, यहाँ पे कोई एटम है, ऐसे ही आपके एटम बन रहे हैं, तो यहाँ पे इनका, यहाँ पे और भी इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होंगे, यहाँ पे जो भी है, ठीक है, यहाँ पे भी होंगे। सो गाइस ये दोनों जब शेयरिंग करते हैं तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, और दोनों का ही मतलब के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का दोनों का ही इक्वली इंपोर्टेंस होता है, बराबर का इंपोर्टेंस होता है। सो हेट्रो पे हम बिल्कुल नहीं जा सकते हैं, डैट वन इज योर होमोपोलर। होमोपोलर का मतलब दोनों का इक्वली कॉन्ट्रीब्यूशन है वहां पे, ठीक है। होमो मतलब के एक जैसा, ठीक है, हेट्रो मतलब के अलग अलग। सो गाइस यहाँ पे आप लोगों का क्या हो रहा है, होमोपोलर हो रहा है,
ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का करेक्ट हो रहा है। आपको बड़े ध्यान से आंसर देना है ऐसे क्वेश्चंस का, बहुत इजी होते हैं, आप देखते ही आंसर कर सकते हैं, बस थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड सही रखना है आपको वहां पे, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का करेक्ट हो चुका है। होमोपोलर हो रहा है भाई यहाँ पे, कैसे किस टाइप के इलेक्ट्रॉन पेयर एग्जिस्ट कर रहे हैं, होमोपोलर होमोपोल इलेक्ट्रॉन पेयर एग्जिस्ट कर रहे हैं वहां पे, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का इक्वली कंट्रीब्यूशन हो रहा है, कोवेलेंट बॉन्डिंग वहां पे हो रही है और होमोपोलर वहां पे इलेक्ट्रॉन और होल पेयर का नेचर हो रहा है एक तरीके से, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का करेक्ट हो चुका है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, और मुझे आंसर बताइए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ और जल्दी से आंसर बताइए भैया। यस, जल्दी से आंसर बताओ भी क्या बन रहा है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। यस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों के क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आते हैं, आप लोगों को सिर्फ वहां पे ध्यान रखना है और अच्छे से आंसर देना है, आते हुए भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, बिल्कुल होते हैं भाई नॉर्मल केस है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आप आते हुए आप आंसर गलत कर रही है, ऐसा नहीं होने देना है आपको। सो बताइए जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप मुझे, आप आंसर दे सकते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर बाय एडिंग इंप्यूरिटी, इंप्यूरिटी ऐड कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। रेजिस्टेंस क्या होता है, स्ट्रक्चर फ्रिक्शन होता है एक तरीके से, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, टेम्परेचर का तो बहुत बारी पड़ चुके हैं, यहाँ पे इंप्यूरिटी का बोला हुआ है जी, इंप्यूरिटी का बोला हुआ है यहाँ पे, इंप्यूरिटी मतलब क्या होता है जी, डोपिंग। यस, बता सकते हैं आप लोग, जब डोपिंग करते हैं सेमीकंडक्टर में तो क्या होता है, कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है डिक्रीज करती है। यस, जब सेमीकंडक्टर में डोपिंग करते हैं तो आपकी कंडक्टिविटी ऑब्वियसली क्या करती है, इंक्रीज करती है। यस, जब इंप्यूरिटी या डोपिंग ऐड करते हैं तो कंडक्टिविटी क्या होती है वहां पे, कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस क्या करेगा वहां पे जी, रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है, रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। और ऑप्शन नंबर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना यहाँ पे, जब भी टेम्परेचर या डोपिंग इंक्रीज करते हैं, डोपिंग मिलाते हैं या टेम्परेचर डोपिंग या टेम्परेचर जब भी इंक्रीज करते हैं, इम्प्योरिटी हम लोग किसी सेमीकंडक्टर मिला रहे हैं तो कंडक्टिविटी वहां पे इंक्रीज करती है, कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए ही तो हम लोग इम्प्योरिटी मिलाते हैं ना, कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए ही हम लोग क्या मिलाते हैं, इम्प्योरिटी मिलाते हैं जी, ठीक है। सो गाइस यहां से हमें पता चल गया कि फिर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो चुका है जी, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का करेक्ट हो चुका है यहां से, ठीक है। सो गाइस जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और आंसर दीजिए, आप कोशिश करा करो आंसर देने की, कोई बात नहीं गलत हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट कोशिश जरूर करा करो। क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर, जल्दी से आंसर बताइए भाई, आंसर बताइए जल्दी से क्या बन रहा है इस क्वेश्चन का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए फर्मी लेवल को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से आप लोगों के, और क्वेश्चन आते ही हैं फर्मी लेवल पे, क्वेश्चन आप लोगों का एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है, एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक होता है आप लोगों को फंसाने के लिए, लेकिन क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं और अब आप ढंग से कर लोगे तो बिल्कुल नहीं फंसने वाले हो। चलिए क्वेश्चन क्या है जी, ध्यान से पढ़ो, फर्मी लेवल इज द मेजर ऑफ, फर्मी लेवल हम क्या करने के लिए मेजर करते हैं, फर्मी लेवल क्या करने के लिए मेजर होता है एक तरीके से, फर्मी लेवल किसका मेजर होता है एक तरीके से बताइए भाई,
फर्मी लेवल आप लोगों को पता होना चाहिए, एक इमेजिनरी लेवल होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे मतलब कि जीरो केल्विन पे एक लेवल होता है, ठीक है, फर्मी लेवल। जीरो डिग्री केल्विन पे वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे एक लेवल बनता है जिसको हम लोग फर्मी लेवल बोलते हैं। और ये क्या क्या शो करता है, फर्मी डायरेक्ट फंक्शन भी आएगा, कई बार आप लोग से डायरेक्ट पूछते हैं, ठीक है, फर्मी डायरेक्ट फंक्शन आगे करेंगे क्वेश्चंस में, टेंशन ना लो आप लोग, आप बस ध्यान से पढ़ते रहो यहाँ पे जो हो रहा है, आपका बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, आप अच्छे से क्लासेस करोगे तो, ठीक है, बस क्लासेस में पढ़ लो, उसके बाद आपको बस 5 मिनट या मिनट का रिविजन करना है, बस आपके लिए लाइफ टाइम के लिए फिट हो जाएंगे आपके दिमाग में चीजें, बट ये आपको श्योरिटी देनी होगी आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ रहे हो, ठीक है। तो फर्मी लेवल मतलब कि जीरो केल्विन पे जो लेवल बन रहा है आप लोगों के सेमीकंडक्टर में, दैट इज नोन एज फर्मी लेवल। और वो क्या शो कर रहा है, प्रेजेंस ऑफ यस इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, बताइए जल्दी से, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स वो शो करता है। भाई जनरली मैं आपको बताऊंगी, अगर ऑप्शन होता प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एक ऑप्शन होता प्रेजेंस ऑफ होल्स, देखो यहाँ पे ऑप्शन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, अगर आपके पास ये ऑप्शन होता है कि प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग और प्रेजेंस ऑफ होल्स अलग, उस केस में आपको जाना था प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन शो कर रहा होता है, मेजर कर रहा होता है, अगर मैं फर्मी लेवल की बात करूं तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस बड़े अलग दिए हुए हैं, एक दूसरे से बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर रहे, आप इजीली आंसर तक जा सकते हैं। चलिए एक बार ऑप्शंस देखते हैं, डोपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, नोट, फर्मी लेवल का डोपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है, होता है, अफेक्ट होता है, लेकिन ऐसा फर्मी लेवल ये शो नहीं करता है, ठीक है, उसका फर्मी लेवल ऊपर नीचे जो भी होता है, कितना ज्यादा और कितना कम हो रहा है, डोपिंग का फैक्ट होता है, लेकिन वो मेजर नहीं कर रहा होता, वो प्रेजेंस किसकी मेजर कर रहा होता, ऑक्यूपेंसी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल, इलेक्ट्रॉन या होल की प्रेजेंस को शो कर रहा होता है एक तरीके से, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल। अगर इसमें से भी अलग अलग ऑप्शन होता, होल अलग होता, इलेक्ट्रॉन अलग होता, तो आपको जाना था इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है, ऑक्यूपेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज योर करेक्ट आंसर उस केस में, बट अभी इलेक्ट्रॉन और होल है तो हम वही जाएंगे। थर्ड ऑप्शन नंबर सी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ फोटॉन्स, नो ऐसा कुछ नहीं शो कर रहा होता है। फोर्थ ऑप्शन आप लोगों का है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ वेवलेंथ, नो दिस कैन नॉट बी, आपको जाना है प्रेजेंस ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल्स पे जाना है। सो यहां से आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो चुका है, शो क्या कर रहा होता है, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल, कुछ भी दोनों चीजें हो सकती है, लेकिन दोनों में से एक अगर चूज करना है हमें तो वहां पे इलेक्ट्रॉन इज अवर मोस्ट सुटेड ऑप्शन, ठीक है, तो वहां पे हमें ध्यान रखना है जी। और क्या होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे होता है, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा आप लोगों का, आता है डायरेक्टली पूछते हैं फर्मी लेवल कैसे डिफाइन करते हैं, जीरो केल्विन पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे जो लेवल बनता है इमेजिनरी लेवल बनता है एक्चुअली, जिसको हम क्या बोलते हैं जी, फर्मी लेवल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन रीड की, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए भाई, यहां पे आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो चुका है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए आप, ऑप्शन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन भैया, आई एम सॉरी गलती मेरे से हो रही है जी, क्वेश्चन नंबर सेवन जल्दी से रीड करो और बताइए आंसर क्या बन रहा है, जल्दी से बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर सेवन क्या बन रहा है आप लोगों का आंसर, अच्छा क्वेश्चन है और आप लोग आंसर भी कर सकते हैं, कई बार रिपीटेड आ चुका है ये क्वेश्चन आप लोगों का, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, सेमीकंडक्टर की बात कर रहा है भाई ये, सेमीकंडक्टर इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म इज नोन एज, प्योरेस्ट फॉर्म में सेमीकंडक्टर को हम क्या बोल सकते हैं, प्योरेस्ट फॉर्म बिल्कुल प्योरेस्ट, ठीक है, प्योरेस्ट फॉर्म में हम सेमीकंडक्टर को क्या बोल सकते हैं जी, मेटल बोल देंगे क्या, मेटल बोलेंगे, इंसुलेटर बोलेंगे,
तीसरी चीज होती है आप लोगों के पास मेटल या कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। ठीक है, ये तीन चीजें ही होती है, तो बताइए हम क्या बोलेंगे भाई? सेमीकंडक्टर को प्यूरेस्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलेंगे, मेटल बोलेंगे या ये बोलेंगे या ये बोलेंगे, दिस वन और दिस वन, इनमें से ही एक बोलेंगे, लेकिन क्या बोलेंगे? जब हाईली डोप्ड होता है तो मेटल पे आते हैं हम लोग, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, ध्यान से सुनो। जब हैवीली डोप्ड या हाईली डोप्ड होता है तो आप लोगों का मेटल बनता है, लेकिन प्योरेस्ट फॉर्म मतलब के कुछ भी डोपिंग वगैरह नहीं हो रही है, तो इस केस में आप लोगों का शो होगा भाई, ऑप्शंस में हमें जाना है भाई, ऑप्शंस के थ्रू जाना है, सेमीकंडक्टर इन द प्योरेस्ट फॉर्म भाई, ये ऐसे नहीं दिया, इंसुलेटर के फॉर्म में नहीं दिया हुआ, आप लोगों को ऑप्शन अलग दिया हुआ है। सेमीकंडक्टर इसमें प्योरेस्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं उसको, बहुत ईजी है, तो आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं, ठीक है ना, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारी प्योरेस्ट फॉर्म होती है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और इम्प्योर फॉर्म की बात करते हैं तो वहां पे हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आते हैं। ठीक है, मुझे लगा आप लोगों से ये पूछ लेगा कि जब हम टेम्परेचर पे, मेरे क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा था, आपको बड़े अच्छे से पढ़ना है। आप लोगों का क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि जब भी कोई टेम्परेचर अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो उस केस में सेमीकंडक्टर कैसा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसा बिहेव करता है, उस केस में हमारा आंसर होता है इंसुलेटर। जब भी हम लोग जीरो केल्विन की एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात कर रहे होते हैं तो आंसर होता है हमारा सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। बट अगर अगर आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हुआ है कि सेमीकंडक्टर आपका बिल्कुल हैवीली डोप्ड है, बहुत ज्यादा डोपिंग हमें प्रोवाइड कर रखी है, उस केस में हमारा सेमीकंडक्टर मेटल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, और यहाँ पे तो सिर्फ जर्नल पूछा हुआ है सेमीकंडक्टर प्योरेस्ट फॉर्म में उसको हम क्या बोलते हैं, प्योरेस्ट फॉर्म में हम उसको बोलते हैं जी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और इम्प्योर फॉर्म होती तो इसी क्वेश्चन का आंसर हमारा बन जाता क्या, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यस, उस केस में हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऑप्शन सही हो जाता। तो आपको ध्यान रखना आपसे क्या पूछा हुआ है, बहुत ही अच्छे तरीके से फिर आपको आंसर करना है क्वेश्चन का। ठीक है जी, सो गाइस यहां से आपका ऑप्शन बन गया है, ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए इज करेक्ट आंसर हो चुका है भाई, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट हो चुका है। हम लोगों ने जितने भी यहाँ पे बेसिक सेमीकंडक्टर क्वेश्चन बन सकते थे सारे के सारे डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से ध्यान में रहेंगे, आप गलती बिल्कुल नहीं करोगे, अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से आ जाएगा तो एग्जामिनेशन हमें छूटना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का यहाँ से करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से रीड करो और मुझे आंसर बताओ। यस, क्वेश्चन रीड करो मुझे आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर एट है आप लोगों का, आंसर बताइए मुझे। ऐसा ही क्वेश्चन, ऐसा तो नहीं कह सकते लेकिन इस टॉपिक पे बेस्ड, मास एक्शन लॉ पे बेस्ड हम लोग पहले भी कर चुके हैं एक तो क्वेश्चन, आप लोगों को रिमाइंड कराने के लिए क्वेश्चन कैसा कैसा बन सकता है ये दिखाने के लिए ही हम लोगों ने ये क्वेश्चन लिया है। सो जल्दी से आप मुझे आंसर बताइए अब इस क्वेश्चन का, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे में देखने हैं यहाँ से, लेकिन फिलहाल जल्दी से आप मुझे आंसर बताइए, देखते हैं फिर सारे क्वेश्चन का क्या क्या आंसर बन सकता है, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चन देखने हैं इस वाले क्वेश्चन से हमें, जल्दी से बताइए। तो गाइस यहाँ पे क्या है आपका क्वेश्चन क्या है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स इन एन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज गिवन बाय द फॉलोइंग रिलेशनशिप, रिलेशनशिप आपको ni इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, ND और Na दे रखा है, ni ND एंड Na। ठीक है, ये तो इंट्रिंसिक एंड कॉन्सेंट्रेशन होती है आप लोगों की, और ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डोनर एटम एंड दिस वन इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, दिस वन इज डोनर एटम की कॉन्सेंट्रेशन और दिस वन इज एक्सेप्टर एटम्स की कॉन्सेंट्रेशन और दिस वन इज इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है जी, ओके, मास एक्शन लॉ हम लोगों ने क्या पढ़ा था, माइनॉरिटी कैरियर इंटू मेजोरिटी कैरियर, माइनॉरिटी कैरियर इंटू मेजोरिटी कैरियर, this one
ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ एन इंटू पी इज इक्वल टू एन आई होल स्क्वायर, ये मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ठीक है। और निकालते क्या हमें मास एक्शन लॉ से, मास एक्शन लॉ क्या निकालने के लिए हम यूज करते हैं बताइए जल्दी से। मास एक्शन लॉ क्या निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं, मेजोरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन और माइनॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, यस हम लोग यूज करते हैं जी माइनॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए, माइनॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ओके जी। सो मेजोरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होते हैं, अपने डोपिंग के, ठीक है। एक्सेप्टर डोपिंग भी हो सकती है और क्या हो सकती है, एक्सेप्टर भी हो सकती है और डोनर भी हो सकती है, ठीक है। मतलब कि ये लगभग किसके बराबर होता है, डोनर एन डी मतलब के एन दिस वन, और ये आपका अप्रोक्सीमेटली पी मतलब के होल की कैरी कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग होता है। मेजोरिटी कैरियर एन टाइप में भी मेजोरिटी कैरियर डायरेक्ट डोपिंग के डायरेक्टली डिपेंड करते हैं, क्वेश्चन ऐसे भी डायरेक्टली आप लोगों से पूछ सकते हैं, क्या बोला है मैंने, मेजोरिटी कैरियर डायरेक्टली डिपेंड करते हैं डोपिंग के, वो अप्रोक्सीमेट डोपिंग के इक्वल ही होते हैं, ये एन टाइप की बात हो रही है। दिस वन इज फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर, दिस वन इज फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर और दिस वन इज फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर। मेजोरिटी कैरियर क्या रहेंगे एन टाइप में, एन मतलब के इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगी और होल की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम रहेगी, पी टाइप में होल कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगी और इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम वहां पे रहने वाली है, ठीक है जी। सो गाइस यहां से आप लोगों का ऑप्शन देखते हैं कैसे बनेगा, माइनॉरिटी कैरियर वालों कुछ मेंशन नहीं है जी, कुछ है क्या मेंशन, एन टाइप सेमीकंडक्टर है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, यस एन टाइप सेमीकंडक्टर मेंशन है जी, यहां पे एन टाइप सेमीकंडक्टर है। सो क्या लिख सकती हूं मैं, पी की कॉन्सेंट्रेशन हम लोग निकाल सकते हैं और एन आई स्क्वायर बाय एन, और एन किसके अप्रोक्सीमेट है, एनडी के अप्रोक्सीमेट है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ एन आई स्क्वायर बाय एनडी दिस वन, ठीक है जी। सो ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा, और यहां देखो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है जल्दी से बताइए, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, और पी की जगह पे क्या लिख सकते हो आप, पी अप्रोक्सीमेटली मतलब के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आपकी हो रही है, एन ए के इक्वल हो रही है दिस वन, ठीक है। ऑप्शन में एन ए दिया हुआ है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एन ए लिख दो भी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। सो ये हमारा क्या हो गया है, यहां से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो चुका है, ऑप्शन नंबर भाई सी इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो चुका है यहां से, ठीक है। आई थिंक यू डोंट गेट कंफ्यूज अबाउट मास एक्शन लॉ क्वेश्चन, आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए मास एक्शन लॉ का, आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। बेसिक चीज याद रखनी है, मास एक्शन लॉ की किस लिए यूज करते हैं, माइनॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए यूज करते हैं, कंडीशन क्या होनी चाहिए, थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होनी चाहिए मास एक्शन लॉ सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। मेजोरिटी कैरियर डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन, माइनॉरिटी कैरियर इनवर्सली डिपेंड्स अपॉन डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन, यहां से हमें पता चल गया माइनॉरिटी कैरियर इनवर्सली प्रोपोर्शनल अपॉन डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन और मेजोरिटी कैरियर डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन, हर एक वर्डिंग में हमारा क्वेश्चन बन रहा है। सो आपको सारे की सारी चीजें ध्यान से सुननी हुई होती है, ठीक है। ध्यान से सुनोगे तो आप अच्छे से क्वेश्चन को डील कर पाओगे। अब यहां से हमारे कितने सारे क्वेश्चन बन गया है ना, क्या क्या हो गया है, मेजोरिटी कैरियर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग, वो एक्सेप्टेड डोपिंग भी हो सकती है और डोनर डोपिंग भी हो सकती है, माइनॉरिटी कैरियर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग, मेजोरिटी डायरेक्टली माइनॉरिटी इनवर्सली बिल्कुल, किसलिए यूज करते हैं मास एक्शन लॉ, माइनॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए, बिल्कुल आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा और ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट आंसर हो चुका है। चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए और मजे आंसर बताइए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो मुझे आंसर बताओ क्या बन रहा है यहाँ पे। बताइए जल्दी से क्वेश्चन नाइन्थ,
नाइन्थ ये सीरीज है सिर्फ आपका नाइन्थ, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने डील करे हैं, हर एक क्वेश्चन में से कम पांच ही क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं जाएगा नंबर पे, आप कॉन्सेप्ट्स पे जाया करो। चलिए आप बताइए मुझे, आंसर बताइए ये वाले क्वेश्चन का आंसर आप बताओगे, आपको बताना है भाई ये वाले क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बताइए मुझे। विच अमंग द फॉलोइंग, विच अमंग द फॉलोइंग इज डिटरमाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट फील्ड। ओके, आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू म्यू इंटू ई। यस, दिस वन आप लोग रीड कर चुके हो ना, वी इज इक्वल टू म्यू ई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू मोबिलिटी इंटू फील्ड इंटेंसिटी। तो क्या बोला हुआ है आपको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और फील्ड इंटेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट फील्ड इंटेंसिटी, ऐसे ही बोला है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगा, दिस वन यहां से आप लोग बता सकते हैं किसके इक्वल आ गया, ये मोबिलिटी के इक्वल आ गया है, ठीक है, मोबिलिटी के इक्वल आ गया है। और मोबिलिटी की यूनिट क्या होती है, यूनिट बताइए जल्दी से, मीटर स्क्वेयर या सेंटीमीटर स्क्वेयर पर वोल्ट सेकेंड, कभी भी नहीं भूलना है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर आप लोगों का कौन सा करेक्ट हो चुका है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट हो चुका है भाई, ऑप्शन नंबर सी, अच्छे से ध्यान रखना है आप लोगों को, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट फील्ड इंटेंसिटी आप लोगों का क्या बन रहा है। सो डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया है यहाँ पे मोबिलिटी, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो चुका है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए और मुझे आंसर बताइए। जल्दी से आंसर बताओ फिर, क्या आंसर बन रहा है जल्दी से मुझे बताइए, आप लोगों को बताना है अब यहां पे। मैंने बताया था फर्मी लेवल के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है, फर्मी लेवल हुआ, हॉल इफेक्ट हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार ये लोग, ये आपके लिए ये वाले कॉन्सेप्ट, ये वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं भाई, जल्दी से रीड करो मुझे आंसर बता दो। विच फंक्शन इज यूज टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने के लिए हमें कौन सा फंक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्टिंग एज अ फंक्शन ऑफ एनर्जी लेवल, क्वेश्चन से ही आंसर बन गया है। आप लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम निकालने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए फर्मी लेवल में हम लोगों ने पढ़ा था ना, फर्मी लेवल क्यों यूज करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल एग्जिस्टेंस, उनकी एग्जिस्टेंसी को निकालने के लिए हम फर्मी लेवल यूज करते हैं। अब यहाँ पे पूछा हुआ है कि फंक्शन इज यूज टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्टिंग एज अ फंक्शन ऑफ एनर्जी लेवल। सो आप लोगों को ध्यान होगा बिल्कुल यहाँ पे क्या आ जाएगा आप लोगों का आंसर, फर्मी डायरेक्ट फंक्शन, फर्मी डायरेक्ट फंक्शन, और ये फर्मी डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू क्या होती है वो भी आप लोगों का क्वेश्चन बनने वाला है, आप लोग यहाँ से ध्यान रखिए। फंक्शन ऑफ ई मतलब फंक्शन ऑफ एनर्जी हम लोग यहाँ पे शो करते हैं 1/1 प्लस ई रेज़ टू द पावर ई माइनस ई एफ बाय के टी, ठीक है, किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फंक्शन ऑफ ई क्या शो कर रहा है कि ये फंक्शन ऑफ एनर्जी है, ठीक है, और 1/1 प्लस ई और ये एनर्जी शो कर रहा है, ये फर्मी एनर्जी शो कर रहा है, ई एफ स्टैंड फॉर फर्मी एनर्जी लेवल, ई स्टैंड फॉर एनर्जी, ठीक है, ई स्टैंड फॉर एनर्जी, एस सच एनर्जी जो भी हमारे फंक्शन की हो रही है, ई एफ एनर्जी ऑफ फर्मी लेवल, के टी आप लोगों का बोल्ड है, के आप लोगों का बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी आप लोगों का टेम्परेचर, कुछ भी मेंशन नहीं है तो रूम टेम्परेचर में ऑलवेज कंसिडर करना है। आई थिंक जो बता रहे हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, ठीक है। सो ये सारी चीजें हमें यहां से देखनी है, वन बाय ये इसकी वैल्यू भी डायरेक्ट पूछ लेता आप लोगों से कई बार कि फर्मी डायरेक्ट फंक्शन की या प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वो फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो उस केस में हमारा आंसर आप लोगों का ये बन जाएगा, ऑप्शन आप लोगों का आगे पीछे करके दे देगा कुछ भी, यहाँ पे ये लिख देगा, यहाँ पे ये लिख देगा, यहाँ पे माइनस का साइन या प्लस का साइन,
ऐसा कुछ लगा सकता है। सो उस केस में बिल्कुल अच्छे से आपको ध्यान रखना है कि क्या हमारा आंसर बनेगा वहां पे, ठीक है। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू वन बाय, आपको ये याद कर लेना, ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, कई बार यूज होगा, आप धीरे धीरे जब जैसे जैसे इसको रिवाइज करेंगे ये आपको याद हो ही जाएगा, इंपॉर्टेंट वैसे भी है, ठीक है। सो यहां से आप लोगों का डायरेक्ट आंसर कौन सा बन गया है, गोज गोज नहीं भाई, गोज फंक्शन तो नहीं होगा यहाँ से, ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैनोट बी, फॉर भी डायरेक्ट फंक्शन बिल्कुल यही होने वाला है, और कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, ये भी नहीं होने वाला। सो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो चुका है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर योर टेंथ क्वेश्चन। चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो और मुझे आंसर बताओ, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और आपका आज की क्लास के लिए लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बता दीजिए आप मुझे। जल्दी से आंसर बता दीजिए भाई, अभी जस्ट मैंने आप लोगों को डिस्कस करा थोड़ी देर पहले, ये क्वेश्चन फॉर्मी लेवल के बारे में ही है, ठीक है। फॉर्मी लेवल क्या होता है वही बता रखा है, थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस करा था फॉर्मी लेवल क्या शो करता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करता है, फंक्शन क्या होता है फॉर्मी डायरेक्ट फंक्शन होता है, फंक्शन की वैल्यू क्या होती है जस्ट अभी हम लोगों ने देखी है, फिर ये पूछा हुआ क्वेश्चन में डायरेक्ट के जो क्वेश्चन रीड करते हैं, द एनर्जी विच एन इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई पजेसेस एट जीरो केल्विन, जीरो केल्विन पे जो एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन पजेस करता है, एक इलेक्ट्रॉन में जो एनर्जी होती है जीरो केल्विन पे, मतलब कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे, उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। जीरो केल्विन पे जो वैल्यू होती है उसको हम क्या बोलते हैं, यस दैट इज योर फॉर्मी लेवल, ठीक है। आप ध्यान से कर रहे हो तो आंसर आप दे सकते हैं, फॉर्मी से रिलेटेड और भी कई सारे क्वेश्चन हम लोगों को करने हैं, आप टेंशन ना लो, आपका कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आप लोगों को नहीं आ रहा होगा एग्जामिनेशन हॉल में, सारे क्वेश्चन हम लोग जो भी बन सकते हैं, जो भी आप लोगों के क्वेश्चन आए हुए हैं सारे के सारे क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, होप्स आप लोगों को समझ आ रहा होगा, प्लीज क्लास में कंटिन्यू रहा करो, जो क्लास मिस हो जाए बाय चांस आप देख ना पाओ कभी भी, उसको टाइम निकाल के जरूर कंप्लीट कर लिया करो, जरूर देख लिया करो, ठीक है, आप लोगों के लिए फायदा होने वाला है, ठीक है, ओके। और उम्मीद करते हो आप लोग नोटबुक और पेन कॉपी ले सब कुछ लेके बैठते होंगे अपने एनालिसिस के लिए, बहुत जरूरी है ये, कंपटीशन बहुत ज्यादा है और आप लोगों को अलर्ट रहना अटेंटिव रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो गाइस उम्मीद करते हो आप जब भी अगली क्लास में आओगे तो पिछली सारी क्लासेस को रिवाइज करके आओगे, सो थैंक यू सो मच।